हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रेसिपी थिएटर चैनल में। होली का सीजन, गुजिया और दही बल्ले तो हर घर में बनते ही बनते हैं। तो आज हम दही बल्ले कैसे बनाते हैं वो पहले देखेंगे। सॉफ्ट जूसी दही बल्ले कैसे बनाना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप धुली हुई उड़द की दाल ली है और इसको लगभग 6 घंटे तक भिगाया है। अब हम इसमें से एक्सेस वाटर जो है वो निकाल के मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और उसको बारीक सा पीस लेंगे। हमारी दाल जो है वो अच्छे से पीस गई है। अब हम इसे बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ 1 कप मूंग की दाल भी ली है और इसे भी अच्छे से धो के 6 घंटे तक भिगाया है। इसको भी हम अच्छे से पीस लेते हैं। और बाउल में इसे भी निकाल लेते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिलाकर कम से कम 10 से 12 मिनट फेंट लेना है। ध्यान रखिए, सबसे मेन चीज हमें इस मिश्रण को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फेंटना है ताकि हमारा जो मिश्रण है वो अच्छे से फूल जाए। आखिरी में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, नमक, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़े किशमिश भी डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। हमारा जो दही भल्ले का बैटर है वो रेडी है। अब हाथ ठंडे पानी में डुबो के हम छोटे छोटे भल्ले गरम तेल में फ्राई करेंगे। ध्यान रखिए, तेल जो है गरम रहना चाहिए। फ्राई करते समय ऐसे करछे से गरम गरम तेल हमें भल्लों पे डालना है ताकि हमारे जो भल्ले हैं वो अच्छे से फूल जाए। और ध्यान रखिए, जो भल्ले हैं हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं। भल्ले जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। भल्लों को भिगाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 लीटर गुनगुना पानी। इसमें जाएगा नमक और हींग। अच्छे से मिला लेना है और फ्राई किए हुए भल्ले पानी में डालना है और करीब आधा घंटा रखना है ताकि पानी जो है वो अच्छे से सोख ले और डबल हो जाए। तब तक हम बाकी चीज़ें बना लेते हैं। 2 कप दही में मैंने यहाँ 1/4 चम्मच काला नमक डाला है और 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। हमारी जो दही है वो भी बनके तैयार है। पानी में भल्ले जो है वो भी अच्छे से फूल गए हैं। इसको हमें हल्के हाथ से स्क्वीज करके सर्व करना है। ज़्यादा पानी नहीं निकालना है उसमें से, सिर्फ हल्के हाथ से हमको दबा के जितना पानी निकलेगा उतना ही निकालना है। अब इस पे जाएगा हमारा मीठा दही, जीरा पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, इमली की चटनी डालेंगे और हरी चटनी भी डालेंगे। लास्ट में जाएगा बारीक सेव। देखिए, मस्त दही भल्ला चाट रेडी है।
तो इस होली में आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसी बनी है। चलो फिर शुरू करते हैं हमारी आज की दूसरी रेसिपी। होली हो और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम बनाएंगे होली की सबसे पॉपुलर मावा गुजिया। यहाँ मैंने एक कप फ्रेश नारियल लिया है। इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। इसको हम मिला लेंगे और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें इसे अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे मावा। मैंने यहाँ पे 125 ग्राम मावा लिया है। अच्छे से मिला लेना है और लो फ्लेम पे हम इसे भी भून लेते हैं। आप देख सकते हैं मावा अच्छे से भून गया है और कलर भी चेंज हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और मैंने यहाँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी लिया है। सब अच्छे से मिला लेते हैं। मिल्क पाउडर से क्या होता है, बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से होती है। यहाँ हमारा गुजिया का स्टफिंग जो है वो रेडी है। फ्लेम ऑफ करके हम इसे ठंडा होने देते। डो बनाने के लिए 1 कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा नमक और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाला है। आप यहाँ तेल की जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है ताकि तेल जो है वो पूरे आटे को लग जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गून लेते हैं। अच्छा बढ़िया सॉफ्ट डो यहाँ हमने गून लिया है। इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। ऐसी हमें छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। ऐसे लोई लेके हम इसका पेड़ा बना लेते हैं और फिर आटे में डस्ट करके इसकी छोटी पूरी बना लेते हैं। हमें पूरी जो है वो ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए। ऐसे ही हम सब पूरी बना लेते हैं। स्टफिंग को ऐसे बीच में रख देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। अब हम इसे ऐसा फोल्ड करके इसके किनारे जो है वो बंद करेंगे और अच्छे से सील करेंगे। हमें इसे ऐसे एक कॉर्नर को उठा के रखना है और दबा देना है। इसे गूथना बोलते हैं। क्या होगा, हमारी जो गुजिया है वो बहुत अच्छे से सील हो जाएगी और जब हम इसे फ्राई करेंगे तब ये फूटेगी नहीं। गुजिया फ्राई कर लेते हैं। हमेशा गुजिया जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करने हैं। गुजिया जैसे जैसे पकने लगेगी तेल के ऊपर वो फ्लोट करने लगेगी। आप देख सकते हैं गुजिया गोल्डन ब्राउन होना शुरू हुई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारी गुजिया जो है
वो तैयार है। इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद गुजिया जो है वो और भी ज़्यादा खस्ता हो जाएगी, है ना दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रेसिपी, तो ज़रूर बनाइए इस होली को और देखते रहिए रेसिपी थिएटर।